सुप्रभात बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी सुमेधा पुस्तक के पाठ 4 मदर टेरेसा को पढ़ेंगे। यह पाठ हमें मदर टेरेसा के जीवन वृत्तांत के विषय में बताता है। मदर टेरेसा ने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों और असहायों की सेवा में समर्पित कर दिया। तो आइए मदर टेरेसा के विषय में जानें। मदर टेरेसा कहा करती थी, यदि आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते हैं तो एक को ही खिलाइए। छोटी छोटी बातों के प्रति वफादार रहिए, क्योंकि इन्हीं में आपकी शक्ति निहित है। अर्थात हमें छोटी छोटी बातों से दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ताकि हम अपनी शक्ति जान सकें। दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन लगाने वाली मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को भूतपूर्व युगोस्लाविया में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम एग्नेस रखा था। 18 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने धार्मिक जीवन अपना लिया और अपना नाम बदलकर टेरेसा रखा। मदर टेरेसा ने 18 वर्ष की आयु में ही धार्मिक जीवन अपना लिया। नन बनने के बाद वे कोलकाता के सेंट मार्गरेट स्कूल में भूगोल की अध्यापिका हो गई। उस स्कूल में मदर टेरेसा ने लगभग 20 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और बाद में वहां की प्रधानाचार्या भी रही। क्या हुआ बच्चों, नन बनने के बाद उन्होंने सेंट मार्गरेट स्कूल में भूगोल का शिक्षण कार्य किया और इसके बाद वहां पर वो वहां की प्रधानाचार्या भी बन गई। एक बार उन्होंने कोलकाता के एक अस्पताल के बाहर एक ऐसी महिला को देखा जिसके शरीर में कीड़े पड़े हुए थे और वह बहुत असहाय थी। वह महिला जब तक जीवित रही उन्होंने उसकी देखभाल की। वह महिला बहुत असहाय थी मतलब कोई उसकी सहायता के लिए तत्पर नहीं था। ऐसी महिला जिसके शरीर में कीड़े पड़े हुए थे, उसकी सेवा मदर टेरेसा ने उसके जीवित रहते हुए की। इस घटना का प्रभाव टेरेसा पर इतना पड़ा कि उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब, पीड़ित और बेसहारा लोगों की सेवा में जुट गई। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अब मैं गरीबों, पीड़ितों और बेसहारा लोगों की सेवा ही करूंगी। इसके लिए उन्होंने अपनी स्कूल की नौकरी भी छोड़ दी। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक जीवन व्यर्थ बीता जा रहा था। व्यर्थ बीता जा रहा था मतलब बेकार ही व्यतीत हो रहा था। केवल शिक्षिका बनकर जीवन व्यतीत करना सही नहीं है। उनका कार्य तो समाज के गरीब और बेसहारा व्यक्तियों की सेवा करना है। उन्हें ऐसा लगा कि सिर्फ शिक्षिका बनकर जीवन व्यतीत करना ठीक नहीं है, समाज के गरीब और बेसहारा व्यक्तियों की सेवा भी करना चाहिए। उनके पास धन न के बराबर था, किंतु प्रभु का आशीर्वाद और दृढ़ संकल्प साथ थे। उनके पास धन नहीं था, पूंजी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सेवा कार्य से मुख नहीं मोड़ा। उनके साथ प्रभु का आशीर्वाद था और दृढ़ संकल्प था मतलब पक्का निश्चय था कि मुझे गरीबों की सेवा करनी है। इसी पूंजी के बल पर उनकी यात्रा तब से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रही। उन्होंने अपना जीवन पूर्णतया असहाय और गरीबों के लिए समर्पित कर दिया। उनकी प्रसिद्धि देखकर कोलकाता नगर निगम ने उन्हें एक स्थान प्रदान किया, जहां सर्वप्रथम मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्यालय खोला गया। टेरेसा अनाथों की सहायिका तथा अपंग अपाहिजों की संरक्षिका बन गई। मदर टेरेसा अनाथों की सहायिका मतलब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते उन्हें अनाथ कहा जाता है, उनकी सहायिका मतलब उनके साथ रहने वाली, उनकी सहायता करने वाली बन गई। संरक्षिका बन गई मतलब उनको संरक्षण प्रदान करने लगी। सन 1952 में मदर टेरेसा ने अनाथ बच्चों के लिए पहला निर्मल फ्राइडे होम खोला। यहाँ पर पोलियो और अन्य खतरनाक बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। मदर टेरेसा ने निर्मल फ्राइडे होम खोला, जहाँ पर कि अनाथ बच्चे मतलब जिनके माता पिता नहीं हैं, ऐसे गरीब बच्चे वहाँ पर रहते थे और वहीं पर पोलियो और अन्य खतरनाक बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई।
सन 1957 में आसनसोल में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए एक कुष्ठ आश्रम शांतिनगर भी मदर टेरेसा के प्रयासों से खोला गया। 1957 में आसनसोल नामक स्थान पर शांतिनगर नाम का आश्रम बनाया गया, जहां पर कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों की सेवा की जाती थी। इसी वर्ष उन्होंने निर्मल हृदय नामक संस्था स्थापित की। इस संस्था में अनाथ और उपेक्षित व्यक्तियों की सेवा की जाती है। इसी वर्ष मतलब 1957 में ही निर्मल हृदय नाम की एक संस्था बनाई गई, जहां पर कि अनाथ और उपेक्षित मतलब ऐसे बच्चे जो कि तिरस्कृत होते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े लोग जो कि समाज द्वारा तिरस्कृत किए जाते हैं, उनकी वहां पर सेवा की जाती थी। आज 80 से अधिक देशों में निर्मल हृदय नामक संस्थाएं हैं। हजारों लोग इनके मिशन से जुड़े हैं जो बिना किसी वेतन के सेवा कार्य करते हैं। मतलब निर्मल हृदय एक ऐसी संस्था है जो कि देश विदेश में, मतलब हमारे देश में तो है ही लेकिन दूसरे देशों में भी इसकी संस्थाएं बनी हुई है, जहां पर कि इस प्रकार के लोगों की जो कि अनाथ है, उपेक्षित है, ऐसे लोगों की वहां पर सेवा की जाती है और लोग बिना वेतन के वहां पर कार्य करते हैं। भारत में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित 215 चिकित्सालयों में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों की चिकित्सा प्रायः मुफ्त की जाती है। आज के समय में भी मदर टेरेसा ने जो चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल्स बनाए थे, वहां पर आज भी 10 लाख से अधिक लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाता है, फ्री में इलाज कराया जाता है। मदर टेरेसा के अनुसार व्यक्ति के जीवन की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने वंचितों के लिए क्या किया है, मतलब लोगों ने दूसरों की सहायता के लिए क्या कार्य किया है। व्यक्ति की सार्थकता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह व्यक्ति कितना बड़ा है, कितना महान है, ये इसी बात पर निर्भर है कि हम किस प्रकार दूसरों की सहायता कर रहे हैं। जैसे भगवान सभी को चाहते हैं, वैसे ही हमारी चाह भी व्यापक होनी चाहिए। जिस प्रकार भगवान सभी को एक समान रूप से चाहते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपनी चाह, हमारा प्रेम जो है व्यापक करना चाहिए, मतलब उसको सभी के लिए फैला देना चाहिए। सन 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार में मिलने वाली संपूर्ण राशि उन्होंने अनाथ बेसहारा बच्चों और पीड़ित लोगों की सेवा में लगा दी। नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया और नोबेल पुरस्कार से प्राप्त राशि उन्होंने अपनी संस्थाओं से जुड़े अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए लगा दी। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। वास्तव में मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सही अर्थों में दीन दुखी लोगों की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। भारत सरकार ने इस महान महिला के कार्यों को देखते हुए भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देकर उन्हें सम्मानित किया और लोगों के लिए वे एक आदर्श बन गई कि किस प्रकार दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहिए। 87 वर्षीय मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को कोलकाता स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय में रात 9:30 बजे हो गया। उनका निधन 5 सितंबर 1997 को कोलकाता स्थित उनके मुख्यालय में हो गया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी जिसका नाम था, वहां पर उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार फैलते ही सारा विश्व शोकाकुल हो उठा। शोकाकुल हो उठा मतलब दुख से भर गया, क्योंकि एक ऐसी पुण्यात्मा थी मदर टेरेसा जिन्होंने संपूर्ण जीवन अपना गरीबों और बेसहाराओं लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। संसार के अनेक देशों ने उनकी मृत्यु पर शोक संदेश भेजे तथा दुख प्रकट किया। दुनिया भर के लोग उनकी मृत्यु से बहुत दुखी हो गए और उन्होंने उनकी मृत्यु पर शोक संदेश भेजे, अपना शोक प्रकट किया, दुख प्रकट किया। तो इस प्रकार ममतामयी मदर टेरेसा हम सभी के लिए आदर्श बन गई और हमें सिखा गई कि दीन दुखियों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हमें अपना जीवन गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए कार्य करते हुए व्यतीत करना चाहिए।